हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेटी सिस्टम के बारे में। कमेटीज होती क्या हैं और क्यों क्रिएट की जाती हैं? तो देखिए, ये क्रिएट की जाती हैं ताकि जितने भी एमपीज हैं वो डिस्कस कर सकें और डिबेट कर सकें ऑन द वर्किंग ऑफ अ सर्टेन डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे किसी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। ये इस तरह की डिस्कशन जो है कमेटीज़ में की जाती हैं। अब देखिए, जो मैक्सिमम कमेटीज़ होती हैं उनके हेड या फिर चेयरमैन कह लीजिए, वो स्पीकर ही होते हैं। बट ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कमेटीज़ के, सभी कमेटीज़ के नहीं, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगी। आज के वीडियो में सोलली हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में। सो फाइनेंशियल कमेटीज़ चार तरह की होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है एस्टिमेट्स कमेटी। अब जो एस्टिमेट्स कमेटी है, पहली एस्टिमेट कमेटी कब बनी थी? 1950 में। देखिए, यहाँ पे आपको मेनली फैक्चुअल डेटा मिलेगा जिसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं पेपर में, ठीक है? जितने भी आप स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे ये आता है। बट यूपीएससी लेवल से मत देखिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी है उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, तो उसमें कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी कब बनी थी इस तरह से। तो अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। पहली बनी थी 1950 में। टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें सभी के सभी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ये इकलौती ऐसी कमेटी है जिसमें कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, बाकी सब में राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है? नाउ सेकेंड कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये बनी थी 1964 में। ये बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट रहते हैं इन एग्जाम जो ये कमीशन होते हैं इनके, क्योंकि इनमें आता है कि चार कमेटीज़ आ जाएंगी, चार आगे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, फिर आप मैच कीजिए। तो कृष्णा मेनन कमेटी किससे रिलेटेड है? इनकी रिकमेंडेशन पर बनी थी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट? जो कि कब बनी थी? 1964 में बनी थी पहली। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 7 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, राइट? याद रखिएगा। थर्ड फाइनेंशियल कमेटी जो है उसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अगर हम ओरिजिन की बात करें, सबसे पहली जो कमेटी थी वो 1921 में बनी थी अंडर प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के अंडर प्रोविजंस थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई जाए, इसलिए पहली जो है वो 1921 में बनी थी। बात करें मेंबर्स की, तो टोटल 22 ही मेंबर्स इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, जैसे कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में होता है, राइट? तो इन दोनों के मेंबर्स तो आपको साथ साथ ही याद हो जाएंगे। अब 1967 में एक प्रोविज़न आया था कि जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा इसका। तो चेयरमैन जो है, ही मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, उसमें से किसी को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ जहां हमने चेयरमैन की बात नहीं की वहां आप समझ लीजिएगा कि स्पीकर ही है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमने बात की तो यहां पे मतलब ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी एक पर्सन जो है वो चेयरमैन होगा। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट फाइनेंशियल कमेटी इज 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज़। मतलब किसी न किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कमेटी बना दी, 24, ठीक है? तो 1993 यानी 1993 में बात करें, टोटल 17 ही थी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज़, बट 2004 में 17 में 7 और ऐड की गई और ये बन गई 24। इसलिए हम इन्हें कहते हैं 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज़। ये किसी एक कमेटी का नाम नहीं है, इसमें 24 डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमेटी है, तो हो गई 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज़, राइट? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पॉइंट ये है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद ऑल द कमेटीज एक्सेप्ट द एस्टिमेट्स कमेटी, राइट? एस्टिमेट्स कमेटी के अलावा जितनी भी कमेटीज़ हैं उन सबके साथ राज्यसभा के मेंबर्स आपको मिलेंगे, बस एस्टिमेट कमेटी में नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता भी है, राइट? आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो। छोटी सी वीडियो थी, कुछ खास में पढ़ने का था भी नहीं, दो चार चीज़ें याद करने की हैं और क्वेश्चन यहाँ से आता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी फीडबैक है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट।